नमस्ते दोस्तों, और आज का हम जो टॉपिक लाए हैं दोस्तों वो है हमारा, इसमें फार्मास्यूटिक्स को जो MCQ रहेंगे वो रहेंगे दोस्तों। मतलब कि आपको पता है जैसे कि SBI ने अपना वो निकाला है, एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है जिसका पेपर 23 तारीख को होना है। तो हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करें एक तरीके से MCQ टाइप का, फ्री रहेगा सब कुछ। और इसमें दोस्तों हम लोग प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर पाएँ। हो सकता है आपने कुछ करे भी हो इनमें से, तो मैं बस ऐसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा। तो जो पहला है हमारा दोस्तों वो है, अ रेक्टल सपोजिटरी इज़ यूज टू ट्रीट अ फीवर, दिस वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा एंट्रल एंड सिस्टमिक, ये आंसर इसका सही है दोस्तों। अगले पे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिले ऑन द डज नॉट रिले ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी। तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो हमारा इसका इंसुलिन पेन इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इंसुलिन पेन, इसको आप याद रखिएगा, इंसुलिन पेन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगले क्वेश्चन में तो जैसा कि अगले क्वेश्चन में हमारा है कि फ्रॉम द बिलो ऑप्शन, नीचे के दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कौन सा सबसे मोस्ट वाइडली यूज फॉर्म होगा डोसेज फॉर्म का, कौन सा सबसे मोस्ट यूजली डोसेज फॉर्म होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ये होगा टैबलेट। आपको भी पता है कि टैबलेट होता है, इसका जो राइट आंसर है वो होगा टैबलेट्स। ठीक है, और आगे हम चलते हैं इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर्स टू डोजिंग एडजस्टमेंट, मतलब इनमें से कौन सा है जिसको डोजिंग एडजस्टमेंट को मतलब वो करना होता है, रेफर्स करता है, जो डोजिंग एडजस्टमेंट में हेल्प करता है। तो इसमें जो हमारा है क्वेश्चन अगला, तो यहाँ पे है मैक्सिमम थेरापेटिक डोज एंड यूनिट डोज चेंज। तो जो उसका पहला ऑप्शन था दोस्तों वो इसका सही आंसर था, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, अगले क्वेश्चन में हमारा है कि BD इन फार्मास्यूटिकल टर्म्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब फॉलोइंग कंडीशंस, इनमें से जो BID है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है, पहला है ट्वाइस अ डे, दूसरा है ट्वाइस अ डे एवरी अदर डे एंड 3 times a day। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ट्वाइस अ डे, है ना। तो ए इसका जो ऑप्शन होगा ए वो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है इसका कि इसमें एक फार्मूला दिया हुआ है, तो इसमें आपको ये बताना है कि दिए गए फार्मूले में से कौन सा इसका बेटर नोन होगा फॉलोइंग, एज ऑफ चाइल्ड अपॉन में एज ऑफ चाइल्ड प्लस में 12 एडल्ट चाइल्ड बाय आवर चाइल्ड डोज। तो इसका ऑप्शन है, पहला है यंग्स रूल, दूसरा है क्लार्क्स रूल, तीसरा है फ्राइड रूल्स, चौथा है स्मिथ रूल। तो जो इसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा यंग्स रूल। तो यंग्स ने ही ऐसा फार्मूला दिया था, वो याद होगा। ठीक है, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा है दोस्तों वो है, वेजाइनल सपोजिटरीज आल्सो कॉल्ड एज पैसेजरीज, जो इनमें से वेजाइनल सपोजिटरी है उनको भी क्या कहा जाता है, है ना। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है पैसेजरीज। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा पैसेजरी। आगे चलते हैं हम दोस्तों, आगे हमारा तीसरा पेज है जो इसमें से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस, इनमें से कौन सा जो मोस्ट कॉमनली सपोजिटरी बेस यूज होता है वो बताना है आपको। तो हम आगे चलते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा दोस्तों वो है कोकोआ बटर, दूसरा है PEG 1000, तीसरा है PEG+ हेक्सानेट्रोल, चौथा है ग्लिसरीन। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा कोकोआ बटर, जो होता है हमारा सबसे मेन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं फर्दर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज अ सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज, इनमें से कौन सा सबसे आसान और सबसे पुराना मेथड है सपोजिटरी बनाने के लिए। तो ऑप्शन है हैंड मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग, पोर मोल्डिंग और पेस्ट मोल्डिंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है हमारा हैंड मोल्डिंग, सबसे पहले हाथों से ही बनाई जाती थी, तो इसका जो आंसर है वो है हैंड मोल्डिंग। आगे हम चलते हैं इसमें, तो आगे है ऑफ द फॉलोइंग ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन, दिए गए ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन में से कौन सा कंसाइडर्ड होता है ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन के लिए। आपके ऑप्शन है साइरप, एलिक्सर, माउथवॉश या लिंक्टस। तो जो उसका सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा माउथवॉश इज़ द राइट आंसर।
आगे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशन वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें से कौन सा फॉर्मुलेशन ऑक्यूलर बता दूँ आपको दोस्तों, आँखों के लिए कौन सा सूटेबल नहीं होता है। तो जो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों लिनीमेंट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं फर्दर। तो इसका अगला क्वेश्चन है, नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ, मतलब जो नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कॉमनली इनमें से कौन सा यूज़ किया जाता है, हेडेक, कफ, शोर थ्रोट या कंजेशन। नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों जो नाक में हम डालते हैं कॉमनली, वो किस रिलीफ के लिए वो किया जाता है इसका यूज़। तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन है पहला है हेडेक के लिए, दूसरा है कफ के लिए, तीसरा है शोर थ्रोट के लिए या चौथा है कंजेशन के लिए। तो इसका सही आंसर है वो है कंजेशन दोस्तों। आपको पता होगा ना नसल ड्रॉप आती है ना, आपने सुना भी होगा, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। एक आपको जाइलोमेटाजोलिन की आती है दोस्तों, जाइलोमेटाजोलिन है ना, आपने सुना होगा उसके नाम जाइलोमेटाजोलिन का। आगे चलते हैं हम। ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व द ट्रीटमेंट ऑफ विच एरिया। ऑक्यूलर एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो किस एरिया के पार्ट को ट्रीट करता है। ऑक्यूलर मतलब दोस्तों, ऑक्यूलर से नाम से आपको पता चल रहा है आँखों का, तो आँखों का जो है हमारा आईज होती है हमारी आँखों में है ना, और आँखों में कौन सी नर्व, आँखों से ब्रेन में कौन सी नर्व जाती है दोस्तों, ऑप्टिक नर्व जाती है, ऑप्टिक नर्व, इसको याद रखिएगा ऑप्टिक नर्व। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग में दिक्कत है दोस्तों ये, ठीक है, ऑप्टिक नर्व याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म डिलीवर्स द API टू द GI ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा डोसेज फॉर्म API को डिलीवर करता है GI ट्रैक्ट में। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा है ना, तो इसका जो API मतलब इसका GI ट्रैक्ट की बात कर रहा है दोस्तों। इसमें से देखिए GI ट्रैक्ट में मेनली कौन सा रूट फॉलो होता है, रेक्टल सपोजिटरी, नेसल स्प्रे, वेजन स्प्रे, आई ड्रॉप। दोस्तों ये तो हो ही नहीं सकता, ये आपका तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका सही आंसर होगा हमारा रेक्टल सपोजिटरीज। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे क्वेश्चंस की। तो वेयर इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर डोसेज फॉर्म डैट यूजेस ट्रांसडर्मल डिलीवरी। इनमें से कौन साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताइए जो कि डोसेज फॉर्म है जो कि ट्रांसडर्मल डिलीवरी होता है। ट्रांसडर्मल, जहाँ भी ट्रांसडर्मल की बात आ जाए ना दोस्तों, आपको बस कुछ याद नहीं रखना, आपको बस एक चीज़ याद रखनी है, ट्रांसडर्मल मतलब दोस्तों स्किन होता है हमारा, ये जो डर्मल है, डर्मल मतलब होता है स्किन, स्किन। तो जहाँ भी इसकी बात हो जाए तो समझ जाना आप स्किन की बात हो रही है ना, तो स्किन में आपको क्या करना है, इसका सही आंसर है वो है दोस्तों स्किन, स्किन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले हम बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की फर्दर। तो इसमें है अगला क्वेश्चन, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ विच रूट्स। इनमें से कौन से रूट के एग्जांपल है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबकुटेनियस है ना, ये आपको दोस्तों फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो इसका जो सही आंसर है वो है पेरेंटल प्रिपरेशन, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन दोस्तों, पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना होगा इंट्रावेनस कौन से डिग्री पे लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर कौन से पे लगाया जाता है, सबकुटेनियस कौन से पे लगाया जाता है दोस्तों। अगर फिर भी आपको नहीं पता चलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा है ना। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन द फॉलोइंग आर मोनोफेजिक लिक्विड, जो नीचे दिए गए में से मोनोफेजिक लिक्विड हैं, लिक्विड डोसेज फॉर्म सारे हैं एक को छोड़ के। तो जो उसका सही आंसर है वो है दोस्तों एनीमा। एनीमा क्या है दोस्तों, एनीमा। तो ये है दोस्तों मोनोफेजिक, गिवन द फॉलोइंग मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म्स एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, तो ये है हमारा। आगे चलते हैं, पोसोलॉजी किसके साथ डील्स करती है। पोसोलॉजी जो हमारी डील करती है वो है दोस्तों, पोसोलॉजी डील विद द, आई थिंक आपको क्या लगता है दोस्तों, 18वें का जो है इसका आंसर सही होना चाहिए हमारा डोसेज ऑफ ड्रग के बारे में, जिसमें आप ये सारे इस चैप्टर में आपको ये सारी चीज़ पढ़नी दोस्तों। एक तो आपको यंग्स फार्मूला, क्लार्क फार्मूला, डीलिंग्स फार्मूला, इस तीनों को भी देख के जाइएगा क्योंकि ये भी कई बार पेपर में आ जाते हैं है ना, ये हमारा सही आंसर। आगे हम चलते हैं, विच इनकम्पैटिबिलिटी में बी करेक्टेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग। किस इनकम्पैटिबिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, मिक्सिंग का ऑर्डर चेंज करके। ऑप्शन है डिले, इमीडिएट, टॉलरेटेड या एडजस्टेड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों टॉलरेटेड को सही कर सकते हैं हम, टॉलरेटेड को। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ तक हो गए हैं, आगे हम फर्दर चलते हैं दोस्तों। इसमें हमारा क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी। क्रिस्टलाइजेशन किसका एग्जाम्पल होता है, ऑप्शन है इमीडिएट,
डिले, इंस्टेंटेनियस, एडजस्टेड। तो इसका जो सही आंसर है, जो सही आंसर है दोस्तों, वो है हमारा डिलेड का एग्जांपल होता है, डिलेड का, है ना। आगे हम चलते हैं फर्दर। विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इनमें से कौन सा पार्ट प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग का नहीं होता दोस्तों? पहला है रीडिंग, दूसरा है रिविजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तीसरा है कलेक्टिंग मटेरियल, और चौथा है कंपाउंडिंग। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, देखो सारे एक जैसे ही लग रहे हैं, तो इसका रीडिंग मेन है ना। रीडिंग, अगर रीडिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन होता तो मान सकते थे, ठीक है। रीडिंग तो मेनली होता क्या दोस्तों, है ना। तो इसमें से हमारा अगला है क्वेश्चन, सिग्नेटूरा इज़ द डायरेक्शन गिवन टू। सिग्नेटूरा किसको डायरेक्शन दी जाती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा पेशेंट को दी जाती है दोस्तों, है ना। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, जो RX इज यूज टू डिनोट द, क्या डिनोट करने के लिए किया जाता है दोस्तों? इसका जो आंसर है वो है सुपरस्क्रिप्शन। आपको पहले ही याद होगा कि इसको मतलब जुपिटर गॉड ऑफ हील भी कहा जाता था, जुपिटर के नाम से पहले वो करते थे, पहले के टाइम पे लोग वो करते थे, है ना, ये होता था। तो हम आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, इनमें से सभी पार्ट प्रिस्क्रिप्शन के हैं एक को छोड़ के, एक को छोड़ के सभी पार्ट प्रिस्क्रिप्शन के हैं। तो हम आगे चलते हैं। पहला है सुपरस्क्रिप्शन, दूसरा है इंस्क्रिप्शन, तीसरा है सब्सक्रिप्शन, और चौथा है सिग्ना। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, आपको क्या लगता है, सारे पार्ट हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो सिग्ना दोस्तों, ये नहीं होता है ना। अगला है प्रिस्क्रिप्शन इज़ अ, क्या है प्रिस्क्रिप्शन? एक डायट्री चार्ट है पेशेंट के लिए, डायग्नोसिस रिपोर्ट है पेशेंट के लिए, एक रिटन ऑर्डर है फ्रॉम रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर, या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ पेशेंट सिम्टम के लिए। तो दोस्तों ये जो होता है एक रिटन ऑर्डर होता है, जो कि कौन लिखता है, RMP लिखते हैं। अगला है द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पेडियाट्रिक ऑफेड डोज। जो सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो क्या होता है दोस्तों? सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है डोज नापने का वेट होता है वो। विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट प्रिस्क्रिप्शन कंपोनेंट हमेशा के लिए जरूरत नहीं होता है? इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, या प्रिस्क्राइबर ड्रग इन्फॉर्मेंस एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 70। इसमें जो है दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है हमें, चौथा ऑप्शन इसका जो है, ठीक है। और इसका है अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एवरेज एडल्ट बॉडी सरफेस एरिया। एक एवरेज बॉडी एडल्ट सरफेस एरिया क्या होता है? ऑप्शन है 1.83 मीटर स्क्वायर, और अगला है हमारा 1.73 मीटर स्क्वायर, और 1.73 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों स्क्वायर, सेंटीमीटर और मीटर का ध्यान रखिएगा। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है दोस्तों 1.37 सेंटीमीटर है दोस्तों, यहाँ पे 1.3 सेंटीमीटर है इसका स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 2% एल्यूमिनियम पेस्ट मस्ट बी मिक्स्ड विद अ 10% एल्यूमिनियम पेस्ट टू प्रिपेयर एग्जैक्टली 120 ग्राम ऑफ 5% स्ट्रेंथ। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 75 ग्राम है। आपने सेकंड चैप्टर से ही, जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मैट्रिक वाला, उससे ही आप एक बार देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ऑइंटमेंट है जो कि 1% वेट बाय वेट कैलामाइन कंटेन करता है, इसमें हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड। कितना कैलामाइन का पाउडर हम मिलाए 200 ग्राम ऑइंटमेंट बनाने के लिए, ताकि वो 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट बन जाए दोस्तों। तो जो इसका सही आंसर है वो है 6.25 ग्राम। अगला है, विच टाइप ऑफ कंटेनर आर यूज टू और सपोजिटरीज। इनमें से कौन सा कंटेनर सपोजिटरी के लिए यूज़ किया जाता है? एलुमिनियम फॉइल्स, प्लास्टिक ट्यूब्स, वायल्स, या एम्प्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एम्प्यूल्स होता है। अगला है, विच टाइप ऑफ कंटेनर आर यूज फॉर सिंगल डोज पेरेंटरल। इनमें से कौन सा कंटेनर सिंगल डोज पेरेंटरल के लिए यूज़ किया जाता है? सिंगल डोज पेरेंटरल के लिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, पहला है ग्लास बोतल, दूसरा है प्लास्टिक ट्यूब्स, तीसरा है वायल्स, और चौथा है एम्प्यूल्स। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है हमारा एम्प्यूल्स, एम्प्यूल्स होता है इसका, एम्प्यूल्स, ठीक है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी खींच सकती है, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही होगी। तो हम आज शायद 50 तक कर ले क्वेश्चन। अगला है, डैश इज अ पाउडर यूज टू क्लीन द, दोस्तों ये पाउडर है ना, ये पावर मत समझिएगा इसको, ये पाउडर है, ये पाउडर है ना, PODWDER पाउडर। तो जो कि टूथब्रश में मतलब दांतों को साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है, टालकम पाउडर, डस्टिंग पाउडर, डिटर्जेंट, डेंटिफ्राइसिस। तो इसका तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेंटिफ्राइसिस का राइट आंसर है, ठीक है। एक्सटर्नली यूज पाउडर फॉर बॉडी केयर, जो बाहर की तरफ यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं? एक्सटर्नल जो यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंसफ्लेशन होते हैं, इंसफ्लेशन दोस्तों। बाकी सारे क्या होते हैं? इनर यूज़ किए जाते हैं,
ठीक है, इनर भी होता है लेकिन आउटर भी होते हैं। मेनली जो बॉडी कैविटीज़ के बाहर होते हैं वो इंसफ्लेशंस होते हैं, इंसफ्लेशंस। अगला है, पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन डोसेज फॉर्म, तो ये लिक्विड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। विच इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड ऑन द लेबल्स ऑफ पाउडर फॉर डस्टिंग पाउडर, डस्टिंग पाउडर्स के लेवल पे क्या लिखा होता है आपने देखा भी होगा, केवल इंटरनल यूज़ के लिए, ठीक है पहला ऑप्शन, दूसरा है एक्सटर्नल यूज़ के लिए, तीसरा है शेक वेल बिफोर यूज़, चौथा है फॉर इंसर्शन के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों हमारा फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली, फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली। अगला है, गिवन द फॉलोइंग आर बाईफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्सेप्ट, इनमें से सारे बाईफेजिक लिक्विड डोज फॉर्म है एक को छोड़ के, तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों एरोसोल, एरोसोल है आपका मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म। गिवन द फॉलोइंग आर मोनोफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्सेप्ट, एक को छोड़ के, दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर है एनिमा। फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म एक्सेप्ट, इनमें से सारे ही डिसएडवांटेज है लिक्विड डोसेज फॉर्म के एक को छोड़ के, तो इसमें हमारा कि मोर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कंटेमिनेशन, पुअर स्टेबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट, या चांसेस ऑफ वेरिएशन इन द डोसेज नॉट सुटेबल ऑफ हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, तो जिसका राइट आंसर है वो हमारा दोस्तों नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। अगला है, विच व्हीकल इज यू वेरी गुड फॉर थ्रोट पेंट्स, है ना, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा व्हीकल है जो थ्रोट पेंट के लिए एकदम परफेक्ट होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ग्लिसरॉल इज द राइट आंसर। अगला है, गिवन द फॉलोइंग एंटी ऑक्सीडेंट आर यूज फॉर एक्वा सिस्टम एक्सेप्ट, इनमें से दिए गए सारे एंटी ऑक्सीडेंट यूज़ किए जाते हैं एक्वा सिस्टम के लिए, केवल एक को छोड़ के जो नहीं किया जाता है, तो वह है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल, BHA को नहीं यूज़ करते हैं। अगला है, विच इज़ अ लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सस्पेंशन, सस्पेंशन के लिए लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या होता है, तो ये है सेक वेल बिफोर यूज़, आपने देखा भी होगा। इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो बहुत हाई होता है दोस्तों, जमा होता है। गिवन द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, सारे पार्ट हैं केवल एक को छोड़ के जो कि पार्ट नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर है कंपाउंडिंग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ओपेसिफाइंग एजेंट इन द फेस पाउडर, यूज एज मतलब ओपेसिंग फेस पाउडर में ओपेसिफाइंग एजेंट किसको हम यूज़ करते हैं, इसका यूज है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, इसमें से दिए गए लिक्विड डोसेज फॉर्म में सारे एक को छोड़ के, तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों पिल्स है, पिल्स है ना, टैबलेट है ना। विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन नेम्स एंड क्वांटिटी, इनमें से कौन सा पार्ट प्रिस्क्रिप्शन का नाम और प्रिस्क्रिप्शन कंटेन करता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हमारा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, वो है इंस्क्रिप्शन, है ना, इंस्क्रिप्शन क्वांटिटी कंटेन करता है। द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच इज डिस्प्लेज वन पार्ट ऑफ द बेस इज कॉल्ड, एक क्वांटिटी ड्रग की जो डिस्प्लेस कर देती है दूसरे पार्ट के बेस को, तो उसको हम क्या कहते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कहते हैं, नाम से पता चल रहा है डिस्प्लेस, है ना। अगला क्वेश्चन है इसका,